हेलो डेयर स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द टिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और आज हम डिस्कस करने वाले ये सेशन डिस्कस करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बिकॉज यार अब होने वाले जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं ना, बड़े बड़े डाइजेस्ट में दिमाग खराब हो जाता है, याद नहीं होता, सबसे बड़ा सवाल है। इस सेशन के अंदर मेरा ध्यान आपके लिए यही रहेगा कि आपको जितने भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इतने सिंपल कर दूं कि बहुत मजा आए, एक बार में पढ़ लो, समझ भी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है यार समझना, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझ भी जाए और आपको मेरे साथ में याद भी हो जाए। क्या करना है, एक नोटबुक ले लो, एक नोटबुक साथ में ले लो, पेन ले लो, छोटे छोटे आंसर है यार, प्यारे प्यारे छोटे छोटे आंसर, दो बार पढ़ लिया याद, टीचर को बताओगे ना कंफर्म, टीचर बोलेगी बोर्ड्स में तो पूरे मार्क्स भी मिल रहे हैं और बहुत ईजी है, कहाँ से लाया, ठीक है ना। तो फटाफट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करते हैं सिंपल भाषा में, बोर्ड्स के लिए 90% मार्क्स लाने के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला यार मैच द फॉलोइंग। अब बताओ मैच द फॉलोइंग में ऐसा क्या सिंपल बताया यार, जैसा है वैसे लिखना। सबसे पहला कॉलम आपको बताया है कि अलग अलग नाम दिए, अलग अलग प्रॉपर्टीज दिए, ट्राइड, ऑक्टेव, एटॉमिक नंबर, पीरियड्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ नाम से नॉमेनक्लेचर है, इनके बारे में डेफिनेशन दे रखी कॉलम टू के अंदर, और कॉलम थ्री के अंदर इनके कर्ता धर्ता जिन्होंने इनकी खोज की उनके बारे में दिया हुआ है। आपको नाम बताना है। सबसे पहले ट्रायड की बात करेंगे। ट्रायड जो होता है ना, क्या होता है ट्रायड, मतलब क्या, तीन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया भाई ने, और तीन एलिमेंट का अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पे अपन कर लेते हैं ना, तीन एलिमेंट का अरेंजमेंट कितना टाइम लगता है, फटाफट करेंगे ना। तीन एलिमेंट का अरेंजमेंट किया भाई ने और बोला कि पहला वाला एलिमेंट और तीसरा वाला एलिमेंट, इन तीनों दोनों एलिमेंट का क्या करने का, एटोमिक मास का एवरेज लेने का। एटोमिक मास का एवरेज लेने के बाद जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका एटोमिक मास के बराबर मिलेगा, एवरेज पहला और तीसरे का एवरेज बीच वाले एटॉमिक मास के बराबर मिलेगा, बीच वाले एटम के। तो यहाँ पे है द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास, किसने लिया, ट्रायड में लिया, कौन करने वाला था, डोबेरेनर। बात समझ में आया। आगे बात करते हैं ऑक्टेव। ऑक्टेव भाई साहब ने क्या किया, ऑक्टेव ने किया क्या, ऑक्टेव रूल बोलता है कि किसी भी सीरीज के अंदर उन्होंने एलिमेंट ऐसे अरेंज किए कि पहला एलिमेंट और आठवें एलिमेंट की जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो मैच करती है, पहले एलिमेंट और आठवें एलिमेंट की क्या करती है, प्रॉपर्टीज मैच करती है। और ये बताने वाले और पॉइंट थे, ये थे न्यूलैंड्स। आगे बात करेंगे हम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है पॉजिटिव चार्ज, जो भी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और ये बताने वाले कौन थे, ये बताने वाले थे मोस्टली जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ढांचा ही बना हुआ है एटॉमिक नंबर के बेस पे, आपको पता होगा अच्छे से। आगे बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। पीरियड के बारे में किससे बताया, पीरियड के बारे में बताने वाले थे मेंडेलियस, जिन्होंने डेफिनेशन दिया था पीरियड्स और परफेक्ट ग्रुप का, ठीक है। तो ये बताने वाला सिक्वेंशियल चेंज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आप पीरियड से नीचे नीचे जाते हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बदलाव आता है क्योंकि वैलेंसी बदलती है, आपको पता है ना, पीरियड में जैसे जैसे नीचे जाओगे एटम की साइज बदलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे आगे जाके तो बताने वाले कौन थे, मेंडेलियन। आगे बात करेंगे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस होता है एटम का सबसे ज्यादा वजन वाला पार्ट, क्या होता है सबसे ज्यादा वजन वाला पार्ट, उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड मास। और न्यूक्लियस के पास प्रोटोन होता है, तो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ध्यान रखना। और इनको बताने वाले और कोई नहीं थे, रदरफोर्ड, जिनके बारे में 8th स्टैंडर्ड में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, गोल्ड फॉइल वाला। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, और बताने वाले थे थॉमसन, जिनका नाम आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में MCQ। आगे देखो जो आंसर्स आपको मिलने वाले वो आगे मिलने वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चंस के छोटे छोटे आंसर्स है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 आपको ग्रुप दिख रहे हैं। 18 ग्रुप के अंदर ये जो पहला ग्रुप है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल का ग्रुप, और इस पहले ग्रुप में जितने भी एटम्स यहाँ पे मौजूद है, जितने भी एटम्स मौजूद है, इन सारे एटम का आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। वापस सुनना, अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, दूसरे वाले ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आगे 13 का आपको ध्यान रखना है, 10th के अंदर 13 का आपको ध्यान रखना है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7 क्या इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की बात करो, दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अल्कली मेटल बोला है ना, तो अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है।
आगे बात करते हैं। आपके लिए सवाल है, कमेंट करके आंसर बताना भैया, बाजू वाले से पूछ के बता देना, कम से कम बताना, बोर्ड में खुशी मिलेगी भैया अपने पट्टे लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेट्स सी कितने लोगों से बताते हैं, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में होता है ना, तो लिथियम कौन से पीरियड में होता है, बताओ 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 बताओ, बताओ। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में होता है तो लिथियम कौन से पीरियड में होता है, परफेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हो, भगवान आपका भला करेगा बोर्ड्स में। पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पहले मेरा भला करो, ठीक है, जल्दी करो, ये काम कर लो, सारे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर लो। चैनल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए, उनको चेकआउट कर लेना, और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस के आईएमपी भी दे रखी है, चैप्टर्स के आईएमपी दे रखी है, उनको भी चेकआउट करना, ठीक है ना। सेकंड वाला, अल्कली अर्थ मेटल, अभी मैंने बताया था वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, अल्कली अर्थ मेटल की वैलेंसी होती है 2। दिस मीन्स दैट देयर पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन कहना चाहता है कि भैया अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी कितनी है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी 2 है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी जगह पे रखे जाएंगे, तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये रहा, और वैलेंसी अगर 2 है तो उनको सेकेंड ग्रुप में रखा जाएगा, ध्यान रखना वैलेंसी के हिसाब से ग्रुप डिसाइड होता है, सेम वैलेंसी वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं, तो जिनकी वैलेंसी 2 होती है वो सारे के सारे मेटल्स की बात करो, सारे मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल दूसरे वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में रखे गए हैं। आ गया, तो यहाँ पे ग्रुप 2, ग्रुप 16, पीरियड 2, डी ब्लॉक, ग्रुप 2, चेकआउट, लुक एट दिस, करेक्ट ना। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है HCl, और क्वेश्चन में पूछा बताओ ये X क्या होगा, मैं बहुत सिंपल बताऊं आपको, ऑप्शन देख के समझा जाओगे क्यों। देखो भाई HCl लिखा हुआ है, HCl, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1, मतलब यहाँ पे क्लोरीन के साथ में जो भी एटम जुड़ा है उसकी वैलेंसी 1 है, और इन सारे ऑप्शन में से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में वैलेंसी 1 वाला पट्टा एक ही है, कौन है, सोडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, बिकॉज Cl अगर 1 है तो सोडियम भी उसके साथ जुड़ा होगा, क्योंकि अगर Mg होता तो वो MgCl2 बनाता, एल्यूमिनियम होता तो AlCl3 बनाता, बात समझ में आया, सिलिकॉन होता तो SiCl4 बनाता, बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल फाउंड, पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से जगह पे नॉन मेटल पाए जाते हैं, क्या आपको ये पी ब्लॉक नामक चीज दिख रही है, पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर 3 प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मतलब मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टी दिखाने वाले, तो पी ब्लॉक के अंदर दोनों प्रजाति पाई जाती है, ये यहाँ पे ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना, ये सारे मेटलॉइड्स है, ये ब्लू ब्लू सारे मेटलॉइड्स है, और इस ब्लू ब्लू के ऊपर वाला जो भी पार्ट है, ये ऊपर वाले जो भी आपको अलग अलग रंग दिख रहे हैं, ये सारे नॉन मेटल है, और इसके नीचे वाले जो है वो सारे मेटल्स है, तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें 3 प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, आगे समझ में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट, जो मैंने आपको बोला है चैनल के ऊपर बहुत सारे वन शॉट आईएमपी के वीडियोस है, और जिन पे व्यूज भी बहुत ज्यादा है, मतलब स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखना भूलिएगा नहीं, सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं, द एलिमेंट हैज इट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282, एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता। पहला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर आपको पूछा, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, अरे भैया जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहता है ना, इसका प्लस करने का, क्या करने का, प्लस, आपको मिलेगा आपका चाहता एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पाने का तरीका समझा, कैसे मिलेगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्लस करने का, तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्लस करोगे तो एटॉमिक नंबर मिलेगा, कितना मिल रहा है, देखो कितना मिल रहा है, 12। पीरियोडिक टेबल सामने रखते, जब भी ये चैप्टर पढ़ते हो ना, पीरियोडिक टेबल को सामने रखना भूलिएगा नहीं, ठीक है, बोर्ड्स के लिए हम दे रहे हैं इजी शॉर्टकट सॉल्यूशन, आगे मिलने वाले, भूलना नहीं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो, आंसर लिख लेना सारे के सारे। What is the group of this element? अब जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहता है और आपको ग्रुप के बारे में पता करना है, तो ग्रुप के बारे में पता करने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है देखने का, वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मतलब इस वाले एटम का ग्रुप हो जाएगा कितना, 2, बात समझ में आया, कौन सा ग्रुप, 2, 2 का मतलब ये वाला, यहाँ पे आपको दिखेगा मॉडर्न पीरियोडिक के अंदर ये दूसरा वाला, ठीक है,
टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग। अब क्वेश्चन पूछा, ग्रुप पता करने का तरीका समझा। ग्रुप पता करने का तरीका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखने का। किसको देखने का? वैलेंस को। अब पीरियड पता करने का तरीका समझ लो, कैसे पता करते हैं पीरियड्स को। पीरियड को पता करने के लिए आपको शेल्स गिनने का, कितना शेल है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, कितने शेल है, तीन शेल। मतलब ये जो एटम है वो तीसरे शेल में होगा, कौन से शेल में होगा, तीसरे। और पक्का ये मैग्नीशियम है क्योंकि एटॉमिक नंबर दे रखा है ना 12, मतलब ये एटम कौन सा है, मैग्नीशियम है। और पक्का बराबर कौन से शेल में है, ये तीसरे शेल के अंदर है। समझ में आया आपको, एटॉमिक नंबर 12 तो तीसरे शेल में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिसेंबल। यहाँ पे क्या दिया है आपको, कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए और बोला है कि जो हमारा 12 एटॉमिक नंबर वाला मैग्नीशियम था, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रिसेंबल मतलब किसके जैसा दिख रहा है, मैग्नीशियम किसके जैसा दिखता है, नाइट्रोजन के जैसा, बेरियम के जैसा, आर्गन के जैसा, क्लोरीन के जैसा, नहीं मैं बताता हूँ, ये दिखता है उसी एटम के जैसा जो एटम इसी के ग्रुप में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसका उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 282, इसका मतलब ये कौन से ग्रुप में, दो ग्रुप में। अगर यहाँ पे हम बेरियम की बात करेंगे तो बेरियम का एटॉमिक नंबर 4 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2.2, और इसके भी आखिरी में देखो क्या आया, 2 आया। मतलब जो मैग्नीशियम है ये किसके जैसा दिख रहा होगा, बेरिलियम के जैसा दिख रहा होगा, किसके जैसा दिख रहा होगा, बेरिलियम के जैसा, नाइट्रोजन के जैसा नहीं दिखेगा। क्यों, नाइट्रोजन का देख लो एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2.3 आया, क्या 2 चाहिए ना लास्ट में, 3 तो। आर्गन का देख लोगे तो 2.88 आया, हमें कोई मतलब ही नहीं है, 2 आना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट अपने दोस्त के तरफ तब दिखेगा जब दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे या उनकी वैलेंसी सेम होगी। आगे समझ में, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो गया हमारा बेरिलियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 4। सिंपल है, पक्का समझ में आ रहा है, लाइक कर लेना। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इतना मजा आने वाला ना, ये पूरा चैप्टर आज का आज यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है ये वाला पार्ट देखने के बाद। अगर आप वीडियो के इस लेवल तक पहुंच चुके हो ना, कमेंट में इसका आंसर करो। मुझे पता है आप लोग को आता है इंटू करना, बट मुझे इससे धीरज मिल जाएगी कि भाई ये बंदे लोग, ये जो इतने लोगों ने जो कमेंट किया 44x3 का, ये वीडियो के इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप ही को पता होगा मैंने ऐसा कोई सवाल पूछा था। ठीक है, ये मेरा नहीं है, इस एक्सरसाइज के फेवरेट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको 11 12th में अगर साइंस लेते हो ना, जिंदगी बना देंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, और आपने जो अब तक अपने बोर्ड के जर्नी में नहीं पढ़ा होगा ना, वो अभी पढ़ने वाले हो। शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स दिए, उन सारे एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। पहली बात समझ में आई, क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, मतलब लिखना है ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। गिवन एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है एटॉमिक नंबर आके लिखा हुआ है, ठीक है ना, वैसा दिया होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए, लिथियम, सिलिकॉन, हीलियम, सोडियम एंड फॉस्फरस। विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3। इनमें से कौन से एलिमेंट थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं, कौन से एलिमेंट तीसरे पीरियड में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड में। पहले क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन आपको लिखना, दिख रहा है आपको सारे एलिमेंट्स का। पहले देखो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ इस वाले कॉलम में, इसी तरीके से आपको एक टेबल बनाना है और सारे के सारे एलिमेंट्स का क्या लिखना है, ये देखो ये एटॉमिक नंबर है, सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर है, और ये आपको दिख रहा है सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे लिथियम का क्या हो जाएगा, 2.1, फिर दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, 2.8.4, 2, फिर 2.8.1, 2.8.5, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आता होगा आई थिंक। नहीं आता तो अपने टीचर से सीख लो, बहुत ईजी है, नहीं तो मुझे बोल देना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब आपको पूछा है कि कौन से एलिमेंट पीरियड 3 से प्रेजेंट है, तो भैया यहाँ पे देखो मैं जो हाईलाइटेड कर रहा हूँ उनको ऑब्जर्व करो अच्छे से। जिनको मैंने हाईलाइटेड किया है वहां पे आपको दिख रहा होगा कि 2.8.4 पहला वाला, इस ये तीन शेल को ऑक्यूपाई कर रहा है, KLM। फिर उसके बाद वाला हाईलाइटेड देखो 2.8.1, ये भी तीन शेल को ऑक्यूपाई कर रहा है, 2.8.5, ये भी तीन शेल को ऑक्यूपाई कर रहा है, कि जो भी एलिमेंट तीन शेल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो थर्ड पीरियड में होंगे। मैंने बताया पीरियड पता करने का तरीका है कि नंबर ऑफ शेल पता करने का, कितने शेल में वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बटा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, सिलिकॉन, सोडियम और फॉस्फरस, ये तीनों के तीनों तीन शेल के अंदर है। तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, सोडियम, फॉस्फरस आर इन द पीरियड 3 एज दे ईच हैव
इलेक्ट्रॉन इन द थ्री शेल्स, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर बैठे हुए, तीन शेल्स के अंदर बैठे हुए। कितना इजी आंसर है, किताब में या डाइजेस्ट में इतने बड़े बड़े आंसर लिखे कि याद ही नहीं होता। आपको जैसे मैंने दिया है उतना लिख के आना, पहले आपको टेबल बनाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोला है सबके लिए बनाना जरूरी है, एंड देन ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या पूछा है, विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप, ग्रुप को पता करने का तरीका पता है ना, चलो कमेंट करो जरा ग्रुप को कैसे पता करते हैं। बहुत बढ़िया, कमेंट सही कर गया एक जन ने, मैं देख रहा हूँ, डोरेमोन से नहीं, मैंने टाइम मशीन लिया, मैं आगे जाके फ्यूचर में देख रहा हूँ, परफेक्ट है भाई, सही है। देखो भाई, ग्रुप को पता करने का तरीका है वैलेंसी, क्या पता करो, उनकी वैलेंसी पता करो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करो। तो यहाँ पे पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दिया, और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद यहाँ पे पूछा सेकेंड ग्रुप की बात करें, तो जो मैंने हाईलाइटेड किया है उनके आउटर मोस्ट शेल में देखो दो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, कैल्शियम बेरिलियम। कैल्शियम बेरिलियम, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो कैल्शियम और बेरिलियम है वो ग्रुप टू में बिलोंग करेंगे, समझ में आ गया, कैल्शियम और बेरिलियम किसमें बिलोंग करेंगे, ग्रुप टू में। तो कैल्शियम एंड बेरिलियम बिलोंग्स टू ग्रुप टू बिकॉज दे बोथ हैव टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम ग्रुप एलिमेंट हैव अ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर है तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, ये लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, समझ में आया आपको, ठीक है। दिस इज द चैलेंज नंबर टू फॉर यू गाइस, लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, अभी हमने एक मैग्नीशियम का क्वेश्चन भी पढ़ा था और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में चर्चा भी की थी, करो कमेंट, ए बी सी डी ऐसा लिखना, सी टू कमेंट में लिखना, और फिर जो भी ऑप्शन है वो टाइप कर लेना, या ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो भी आपको टाइप करना अच्छा लगे। नेक्स्ट सी में आपको पूछा है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। चलो देखो पता करें, पहले सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन जो लिखने बोला हमने लिख दिया, बट यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आया, किसका नॉलेज होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, अगर आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख चुके हो तो पीरियोडिक टेबल में आपकी इन पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, बेरिलियम है और एल्यूमिनियम है, बराबर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे, जैसा देखो बोरोन, बोरोन था कि नहीं था, चेक करते, बोरोन था ना, हाँ देखो पांच क्या लिखा, 5B लिखा हुआ, दैट इज बोरोन। तो पहला बोरोन लिख दिया, फिर हमने कार्बन दिखा दिया, नाइट्रोजन दिखा दिया, ऑक्सीजन दिखा दिया और एल्यूमिनियम दिखा दिया, ये सारे एलिमेंट्स आपको ऑप्शन में दे रखे थे। अब यहाँ पे जरा आप इस वाले किताब में, इस वाले पेज पे चले जाओ और ये वाला पेज आपको बहुत अच्छे से आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों देखो अभी समझेगा। इनमें आपको दिख रहा होगा ये वाला हाईलाइटेड पार्ट, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। तो इन सारे एलिमेंट में सबसे राइट साइड में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, सबसे लाइट राइट साइड में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ऑक्सीजन, समझ में आया। ये देखो ट्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट से राइट जाते जाते इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे राइट में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा कि नहीं होगा, तो ऑक्सीजन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाती है, एंड ऑक्सीजन इज ऑन द एक्सट्रीम राइट इन द सेकेंड पीरियड। ऑक्सीजन एक्सट्रीम राइट में, सेकेंड पीरियड में जो भी ऑप्शन दिए थे उनमें से ऑक्सीजन सबसे राइट साइड में मौजूद था, दैट वाई द ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव का कारण है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में आते हो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब मेटल से नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हो, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेटल से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। D, which is the most electropositive, उल्टा क्या करना है, उल्टा करना, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दिया, बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन बोरोन और एल्यूमिनियम, इनको अपना इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन दिखा देते हैं कि कहाँ का जगह है। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी ये पोजीशन है, 20 तक एलिमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए और उनकी एलिमेंट्स की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। इन सब में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, देखो अगर यहाँ पे हाईलाइटेड वाला पार्ट देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साइड में बैठ जाता हूँ, ये हाईलाइटेड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है थर्ड वाला,
इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी दिख रहा है आपको, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप ऊपर से कहां जाओगे नीचे जाओगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगी बढ़ेगी। तो यहां पे देखो ये देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे बेरिलियम की, बोरोन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, ये सब तो एक ही पीरियड के अंदर है, बट एल्यूमिनियम देखो उनसे नीचे है, नीचे है, तो नीचे गए तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ी यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव अमोंग बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरोन एंड एल, बिकॉज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन भी है, कोई कोई इसको ओके यहाँ पे ठीक है, बेरिलियम को भी कुछ ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव माना जाता है बिकॉज वो अल्कलाइन अर्थ मेटल में प्रेजेंट होता है और अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप आंसर चेक करके और मुझे कमेंट में कंफर्म करके बताना। ओके आगे बढ़ते, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। ओके हमने किताब के हिसाब से किया है, सोडियम, फॉस्फरस, क्लोरिन, सिलिकन, मैग्नीशियम, विच ऑफ दिस हैज द लार्जेस्ट एटम, इनमें से किसका एटम की साइज बड़ी होगी। तो पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखोगे तो सबने तीन शेल ऑक्यूपाई किया, मतलब तीनों के तीनों एक ही पीरियड के अंदर है, तीनों के तीनों एक ही पीरियड के अंदर है। पहले हम लोग तो ऑल दिस थ्री बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, तो पहले हम पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं अपना और पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजिशन समझा देते हैं। ये ना अब आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइज की, कौन बड़ा है, डिक्रीजिंग एटोमिक रेडियस आपको दिख रहा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग एटोमिक रेडियस लिखा हुआ, मतलब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे एटोमिक रेडियस कम हो जाती है, एटोमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और क्लोरीन में लेफ्ट से राइट जाते जाते एटोमिक रेडियस अगर कम हो जाएगी तो सबसे बड़ा इनमें से कौन होगा, सोडियम होगा, कौन होगा, सोडियम होगा। तो यहाँ पे आंसर मिल गया, सोडियम हैज लार्जेस्ट एटोमिक रेडियस among all this at largest atom, size decreases from the left to right because atomic size जो होती है वो left से right decrease हो जाती है, और sodium is the left most element among them, और sodium left में present है और left से right तो decrease हो रही, तो left में बड़ा होगा तो sodium बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। This is question challenge number 3, इसी series का F question है, पर मुझे लगता है अब आप ये questions को solve करने लायक हो चुके हो। पूछा है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, उल्टा सवाल है, किसका इनमें से एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होगा, किसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होगा, ध्यान रखना टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो जो ऊपर होगा उसका एटॉमिक रेडियस छोटा होगा। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, विच अबाउ एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर, किसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, कौन अच्छा मेटल है, ध्यान रखना अच्छा मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इजीली डोनेट करता है। हमारे पास ये इनका सबका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम थोड़ा सा इनका पूछ, सबके सब कौन से पीरियड के अंदर प्रेजेंट है, थर्ड पीरियड के अंदर। लेफ्ट टू राइट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, पहले इनकी पोजिशन हम दिखा देते हैं सबकी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो निगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहाँ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी, आप यहाँ पे देख लो ट्रेंड समझ में आएगा, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। तो जो सबसे लेफ्ट में मौजूद है सोडियम, जो सबसे लेफ्ट में मौजूद है कौन है, सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम, सोडियम हैज द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर इन पीरियड थ्री, पीरियड थ्री के अंदर मौजूद है ना सोडियम, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट कम होते जाता है, ठीक है। ये है चैलेंज नंबर 4 आपके लिए, और देखते हैं यहाँ पे, ये गलती से मैंने ये 2 मत देखो यहाँ पे, ये 4 देखो यहाँ पे, चैलेंज नंबर 4 है आपके, विच अबव एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर समझाना तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका उल्टा समझो ना, ठीक है। तो ट्रेंड को समझ के आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है और अच्छे से लिख के भी बताना है रीजन भी, ठीक है। तो इस चैलेंज का अगर आपने आंसर कर दिया हो तो आगे बढ़ते हैं भी हम नए क्वेश्चंस की तरफ, राइट द शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट शॉर्ट में आंसर लिखना, भर भर के लिख के आते हो यार, भर भर के याद करने बैठते हो याद ही नहीं होता,
अब मैं दिखाता हूँ शॉर्ट नोट क्या होती है। देखो यहाँ पे मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया पूछना है यहाँ पे आपको। तो फर्स्ट पहले तो मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल का एक झलक देख लो कैसे दिखता है। ऐसा कुछ दिखता है, किताब में जाओ इस पेज के ऊपर कहाँ पे है ये देख लो, सामने रखो, याद करने में इजी होगा। तो मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात जो है ना, मेंडेली यूज एटोमिक नंबर, एटोमिक मास नंबर, मेंडेली ने इस्तेमाल किया एटोमिक मास मतलब उनके वजन का इस्तेमाल किया, एटोमिक मास एज अ स्टैंडर्ड। मेंडेली ने क्या इस्तेमाल किया, एटॉमिक मास नंबर एज अ स्टैंडर्ड, अरेंजिंग 63 नॉन एलिमेंट्स, अरेंजिंग 63 नॉन एलिमेंट्स। वापस समझना, मेंडेलीज ने एटॉमिक मास का इस्तेमाल किया और उस एटॉमिक मास का इस्तेमाल करके उसने अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में 63, उस समय जो 63 एलिमेंट्स पता थे उनको अरेंज किया। ही देन क्रिएट्स द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसका मेन कॉन्सेप्ट था वो था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सेम केमिकल प्रॉपर्टी उनको एक ग्रुप में रखा, जिनकी अलग अलग उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ऑर्गेनाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ और प्रॉपर्टीज का ध्यान भी रखा उन्होंने, जैसे कि आपको दिख रहा मॉलिकुलर फॉर्मूला, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, इन सारे प्रॉपर्टीज का ध्यान रख के पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया। मेंडेली ऑब्जर्व दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, मेंडेली ने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट जिन जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टी थी रिपीटेड आफ्टर सर्टन इंटरवल, जिन जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टी थी कुछ इंटरवल के बाद वो क्या कर रहे थे, कुछ इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे थे, मतलब सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे। भाई एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी इसके साथ रिएक्ट करता था उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना, मेल्टिंग पॉइंट उतना, तो कुछ देर के बाद दूसरा वाला एक ऐसा और एलिमेंट था वो वापस सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था पहले वाले के जैसा, ठीक है ना। सो यहाँ से एक लॉ इजाद हुआ नया वाला, मेंडेलीज लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मेंडेली पीरियोडिक टेबल बोलता है कि जो भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो किसका फंक्शन है, वो है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। जो उनका एटॉमिक मास होगा उसके हिसाब से उनका प्रॉपर्टीज वेरी करेगा, ठीक है। ये था हमारा मेंडेली लॉ, जिस पीरियोडिक टेबल का लॉ जिसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। राइट द शॉर्ट नोट, वापस से बी है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज अ, देखो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 रोज है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, 7 कॉलम्स है जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। आ गया समझ में, मेन पॉइंट समझा, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 बॉक्सेस है, ईच एलिमेंट हैज वन बॉक्स, हर एलिमेंट को एक बॉक्स मिला है, टोटल 118 बॉक्स है इन टोटल, इंक्लूडिंग टू स्पेशल रोज एट द बॉटम फॉर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। आपको दिखता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो स्पेशल रोज है नीचे, इन ये दो रोज है, पहली वाली है लेंथेनाइड और दूसरी वाली है एक्टिनाइड्स की, ध्यान रखना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए अलग से बनाया गया है। सो देयर आर 11 स्पोर्ट्स, 118 स्पोर्ट्स है, 118 जगह है फॉर एलिमेंट, एंड सिंस ऑल 118 एलिमेंट आर डिस्कवर्ड द टेबल इज कंप्लीट। और आज तक पूरा 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 4 ब्लॉक्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 4 ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक जो शुरू होता है ग्रुप 1 से और ग्रुप 2 तक खत्म होता है, पी ब्लॉक जो शुरू होता है 1300 और 18 पे खत्म होता है, डी ब्लॉक 3 से 12 पे खत्म होता है, और एफ ब्लॉक जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स नाम की दो सीरीज मौजूद है जो बॉटम में प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा इन द पी ब्लॉक। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक के अंदर एक जिगजैग लाइन मौजूद होती है, ये देखो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपके टेक्स्ट बुक में आपको क्लियर कट दिखेगा बट मैं इधर डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन के ऊपर नीचे प्रेजेंट होते हैं मेटालॉइड सीड्स अलोंग द लाइन। जिगजैग लाइन के ऊपर और नीचे प्रेजेंट है मेटालॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट, मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट मतलब इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में मतलब नीचे की तरफ मेटल्स होते हैं और इसके राइट मतलब ऊपर की तरफ होते हैं नॉन मेटल्स। तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों पाए जाते हैं। एस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे मेटल्स होते हैं, काफी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, पानी हवा का के साथ किसी के साथ भी तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि सोडियम मैग्नीशियम के बर्तन वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इस्तेमाल बने ही नहीं तो करेंगे कैसे, वो जल जाएंगे या तुरंत आग पकड़ लेता है, बराबर ना। तो एस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे मेटल होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर भी मेटल्स होते हैं और एफ ब्लॉक के अंदर भी मेटल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो। राइट द शॉर्ट नोट,
पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स का मतलब होता है, आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होता है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट, इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि भैया जो मेंडेलीव था उसने आइसोटोप को अपने पीरियोडिक टेबल में रखा या नहीं रखा, और रखा तो कहां रखा, उसके बारे में आपको बताना है, पोजीशन के बारे में बताना है। तो हम समझते पहले कि आइसोटोप्स पोसेस अ चैलेंज इन द मेंडल पीरियोडिक टेबल। भाई मेंडल पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलीव पीरियोडिक, मेंडल नहीं यार मैं बायोलॉजी का मेंडल लेके, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को रखने में बहुत चैलेंज आया। क्यों आया, देयर बिहेवियर दे शुड बी इन द सेम ग्रुप। क्या होता है, आइसोटोप्स के बिहेवियर से ये समझा कि वो जो आइसोटोप्स है वो सेम ग्रुप में होने चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है और सेम एटॉमिक नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले सेम ग्रुप में होते हैं, बट एटॉमिक मास सजेस्टेड डिफरेंट ग्रुप। बट उनका एटॉमिक मास देखा तो एटॉमिक मास अलग अलग होता, मैंने अभी आपको बताया, और एटॉमिक मास अलग होने की वजह से वो सजेस्ट कर रहे थे कि भाई उनको अलग अलग ग्रुप में रखो। अभी समझ में नहीं आ रहा रखे तो कहां रखे, वापस देखना, सेम एटॉमिक नंबर तो सेम ग्रुप में रखने बोल रहे थे और एटॉमिक मास नंबर अलग तो अलग अलग ग्रुप में रखे। सुने तो सुने किसका, एटॉमिक नंबर का सुने कि एटॉमिक मास नंबर का सुने। दिस मेड इट हार्ड टू फाइंड क्लियर प्लेस इन फॉर आइसोटोप्स, और इसके वजह से आइसोटोप्स का क्लियर प्लेस पता करना बहुत मुश्किल हो गया। दिस प्रॉब्लम हैपन बिकॉज मेंडेलीव लिस्टेड एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मेंडेलीव ने जो भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। आगे समझ में, यहां वो फंस गया, क्लियर है। अब क्या हुआ, इन 1913 हेनरी मोसले फिक्स्ड दिस, उसने ये फिक्स कर दिया, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ही शोड दैट द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स एटॉमिक मास। मोसले ने बोला कि जो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया एटॉमिक मास से अरेंज मत करो, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करो। तो ही चेंजेस मेंडेलीव टेबल, बदल दिया टेबल को, लिस्टेड दिस एलिमेंट बाय देयर एटॉमिक नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस चेंजेस, तो सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। दिस चेंज मेड इट इजियर टू प्लेस आइसोटोप, और इस बदलाव के वजह से आइसोटोप्स को प्लेस करना बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। Now they can be in the same group and radioactive isotopes have their own section at the bottom of the periodic table. और radioactive को नीचे की जगह दे दी और जो भी isotopes थे उनको same group में डाल दिया उसने। आपको इसको अच्छे से समझता मैं समझाता हूँ। इन्होंने क्या किया कि जो भी isotopes थे, जैसे hydrogen के तीन isotopes होते हैं, कौन कौन से होते हैं, protonium, deuterium और tritium, बराबर की नहीं, इन तीनों आइसोटोप्स को इसी जगह पर रख दिया। अभी आपको दिखेगा तीनों कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ पे जो H है ना वो तीन जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप समझ लो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 वाले को, 2 वाले को और 3 वाले को, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। तो इस तरीके से आइसोटोप्स को एक तरीके से आप बोल सकते हो एक ही जगह में तीनों आइसोटोप्स से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप समझ लो ये H है, बात समझ में आ गया। इस तरीके से तो आइसोटोप को एक ही ग्रुप में और एक ही जगह पर रख दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और मेंडेलीव में जगह ही नहीं थी, बात ही नहीं की गई थी, उनको रखा ही नहीं, उनको हटा दिया। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ पीछे वाला क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स। राइट साइंटिफिक रीजन, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजेस व्हाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्यों घटती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिकॉज देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम आउटर मोस्ट शेल में एडेड होते हैं, ठीक है ना। ग्रेटर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस, यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। जैसा ये देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो एटॉमिक नंबर 6 मतलब कार्बन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल 4, बराबर। और यहाँ पे देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। अब देखो यहाँ पे 2 शेल है और यहाँ पे भी 2 ही शेल है, बट इसके दूसरे शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके दूसरे शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर मौजूद होने की वजह से न्यूक्लियस चार्ज भी देखो बढ़ा हुआ है, +7, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। प्लस चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन क्यों होता है, बढ़ जाता है, और नया शेल तो यहाँ पे बन ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही शेल थे और यहाँ पे भी 2 ही शेल है, तो नया जो इलेक्ट्रॉन आया वो दूसरे वाले शेल में आके एड हो गया,
और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ गया, तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, घट गया यहाँ पे। तो ग्रेटर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से खिंचाव बढ़ गया सेंटर की तरफ, मेक्स द इलेक्ट्रॉन मूव क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होने लगे, पास करीब आने लगे, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आने लगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, लीडिंग टू डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया, एटॉमिक रेडियस कम हो गया, कोई डाउट है यहाँ पे, क्लियर है? तो जैसे 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 हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, एटॉमिक रेडियस क्यों घटता है, बिकॉज नए इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेंटर का मतलब न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाता है, और पुल बढ़ने से साइज घट जाती है, ठीक है? यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर क्यों घटता है, देखो मेटल का मेन प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, क्या करने का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। जो मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करता है वो अच्छा मेटल, और जो नहीं कर पाता है वो नॉन मेटल की तरफ बढ़ता है। तो क्यों डिक्रीज होता है समझते हैं, देखो इसके पीछे का कारण है एडेड टू द सेम शेल, नया इलेक्ट्रॉन जो आएगा, मतलब मान लो ये शेल है और ये दो शेल है, ये दो शेल वाला हमने बना दिया, ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी नया इलेक्ट्रॉन आया वो सेम शेल में ऐड हो गया, दूसरे वाले शेल में ऐड हो गया, तो सेंटर का न्यूक्लियस क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ता है सेंटर में, तो सेंटर पे अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो एडेड टू द सेम शेल, नया इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड किया, दिस एक्सपीरियंस ग्रेटर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, दिस मेक्स हार्डर टू रिमूव, मेटल का प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हार्ड हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, आ गया समझ में, दिस मेक्स इट हार्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, दैट्स व्हाई मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, जो पहले लाइन में हमने लिखा था, आ गया। आपके लिए है चैलेंज नंबर 5, देखते हैं कमेंट में कितने लोग चैलेंज नंबर 5 का आंसर बताते हैं। फाइंड ऑड वन आउट लिथियम बेरिलियम बोरोन क्लोरीन, आप पीरियड चेक करो, ग्रुप चेक करो, कौन से पीरियड या ग्रुप में है कि नहीं, वो चेक करके आपको आंसर पता चल जाएगा। लिथियम बेरिलियम बोरोन एंड क्लोरीन, ठीक है। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ती है, क्योंकि नया नया शेल, देखो यहाँ पे एक शेल था, यहाँ पे दो शेल हो गए, यहाँ पे तीन शेल हो गए, नया नया शेल एड होते जाता है। तो समझो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू शेल्स आर एडेड मेकिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गो फर्दर, और उसके वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूर दूर जाता है न्यूक्लियस से, कहाँ जाता है, दूर दूर। देखो लेफ्ट टू राइट साइज छोटी होती है क्योंकि नया शेल नहीं बन पाता है, टॉप टू बॉटम साइज बड़ी होती है क्योंकि नया नया शेल ऐड होते जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, बाहर का शेल न्यूक्लियस से दूर भागते जाता है, एक्सटेंशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस, और आउटर मोस्ट शेल का एक्सटेंशन बढ़ते जाता है, द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, द साइज ऑफ द एटम, एक्सटेंशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस द साइज ऑफ द एटम, आउटर मोस्ट शेल का एक्सटेंशन होने के वजह से एटम का साइज भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव अ सेम वैलेंसी, जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप के होते हैं उनकी सेम वैलेंसी क्यों होती है, मान लेते हैं हम लोग लेते हैं सोडियम पोटेशियम रुबेडियम, तो अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम की बात करेंगे यहाँ पे तो पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, रुबेडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनकी वैलेंसी भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ग्रुप तो सोडियम पोटेशियम और रुबेडियम का सेम ग्रुप है और आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई द सेम वैलेंसी। तो एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी बिकॉज वैलेंसी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शेयर द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो एलिमेंट सेम ग्रुप में मौजूद होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, नंबर भी सेम होता है, दैट वाई रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब जैसे आप देखो सोडियम के तीन ऑर्बिट है, चार है, फिर पांच ऑर्बिट है, ऑर्बिट से कोई लेना देना नहीं, कितने भी ऑर्बिट हो आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सेम ग्रुप में मौजूद होंगे, ऐसा लिखा है, रिगार्डलेस कोई लेना देना नहीं किससे, नंबर ऑफ ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम तो सेम ग्रुप में हो, ये आंसर इसका, बढ़िया सा। थर्ड पीरियड ऑफ कंटेंस ओनली 8 एलिमेंट इवन थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 18। जो तीसरा पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो तीसरा पीरियड होता है, जैसा कि देखो पहले पीरियड के अंदर हाइड्रोजन हीलियम दिखेंगे, दूसरे पीरियड के अंदर आपको ऐसे 8 एलिमेंट्स दिखते हैं, तीसरे पीरियड के अंदर ऐसे
18 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन उधर भी 8 ही होते हैं, इधर भी 8 होते हैं, दूसरे वाले पहले वाले में 2 होते हैं, तो भाई 18 ना होके 8 ही क्यों होते हैं? तो देखो तीसरे पीरियड का क्या लोचा है कि तीसरा पीरियड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, कैपेसिटी 18 की है बट वो 8 इलेक्ट्रॉन ही अपने आउटर मोस्ट शेल में लेता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से उसके पास आ जाती है स्टेबिलिटी। यहाँ पे होता है एक लॉ होता है जो बोलता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, और किसी भी एलिमेंट्स का अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्टेट जल्दी कंप्लीट होता है और उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे थर्ड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट जो लिखा है उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आपके लिए चैलेंज नंबर 6, इन विच ब्लॉक, कौन से ब्लॉक के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉन मेटल पाए जाते हैं? इसका आंसर मैंने पहले भी बताया था, कमेंट कर लिया, परफेक्ट 100%, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ नेम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, कितने शेल से, टोटल 3 शेल है तो कितना, कौन सा पीरियड हो जाएगा? थर्ड पीरियड, 3 पीरियड, बराबर कि नहीं, पीरियड नंबर 3 हो जाएगा ना, द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, 3 शेल वाले पीरियड्स वाले इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड्स में होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 3। आगे बात करते हैं यहाँ पे, द ग्रुप विथ वैलेंसी 0, कौन सा ग्रुप? 18 ग्रुप, 18 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसका वैलेंसी 0 होता है, आपको 18 ग्रुप देखना, ये देखो ये लास्ट वाला ग्रुप है 18 ग्रुप, इसका वैलेंसी होता है 0। द फैमिली ऑफ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 1, नॉन मेटल का वैलेंसी फैमिली कौन सा है जिसका वैलेंसी 1 है, नॉन मेटल, देखो 17वां ग्रुप है नॉन मेटल, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 और इसका वैलेंसी होता है 1, तो ये है फैमिली ऑफ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 1 और ये है फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 1, फैमिली ऑफ मेटल और ये है नॉन मेटल, ध्यान रखना उल्टा सुलटा मत करना, फैमिली ऑफ नॉन मेटल। तो ग्रुप नंबर 17 जिसको हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली, क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली या हेलोजन ग्रुप। The family of metal having valency 1, metal की, तो इसको बोलते हैं alkali metals, alkali metals, group 1, जिसको आप लिखते हैं ना group 1, पहला वाला group आपको दिख रहा है, ये पहला वाला group वो, क्या? The family of metal having valency 2, इसको बोलेंगे alkaline earth metals, alkaline अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं उनकी वैलेंसी 2 होती है और ग्रुप नंबर 2 में प्रेजेंट होते हैं ये ग्रुप, ये इनकी वैलेंसी 2, ठीक है। और मेटल बोला था, ध्यान रखना नॉन मेटल बोलता है तो ग्रुप नंबर 16 हो जाता। द मेटलॉइड्स इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड और थर्ड पीरियड्स के अंदर कौन कौन से मेटलॉइड्स है, तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो सेकेंड पीरियड्स के अंदर तो जो मेटलॉइड्स है वो बोरोन है और थर्ड पीरियड के अंदर जो सिलिकॉन जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है। बात करेंगे नॉन मेटल इन द थर्ड पीरियड, तो यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा और एक हो जाएगा बोरोन। नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड के अंदर कौन से नॉन मेटल है, तो थर्ड पीरियड अगर आप देख रहे हो तो ये रहा थर्ड पीरियड और इसके अंदर नॉन मेटल है फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गोन, आगे समझ में, फास्फोरस एल्यूमिनियम मेटल है ध्यान रखना, तो यहाँ पे आप कोई भी दो नाम लिख सकते हो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गोन, ठीक है। टू एलिमेंट्स हैविंग द वैलेंसी 4, दो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी कितनी है 4 है, तो वो दो एलिमेंट कौन कौन से, देखो 4 वैलेंसी वाला ग्रुप ये रहा, तो कार्बन लिख सकते हो सिलिकॉन लिख सकते हो जर्मेनियम लिख सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, आप पूरा नाम भी लिख सकते हो। तो आई होप पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा मजा आया होगा, बहुत सारे IMPs के वीडियोस अपलोडेड है, क्वेश्चंस पेपर के वीडियोस अपलोडेड है और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है कमेंट करके जरूर बताना। बोर्ड्स के प्रिपरेशंस के लिए मैथ्स का अगर वन शॉट चाहिए, अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, मैथ्स 1 मैथ्स 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है कमेंट करके बताना, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा सप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।